Oh my, my, my. What? शायद मेरे को लग रहा है कोई आया था यहाँ पे तुमने। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई अमित हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ एक नई हॉटेड लोकेशन पर। और आज मैं जिस जगह पर खड़ा हूं ना, मैं सच बताऊं मैं इससे पहले यहां पर आया था वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं वीडियो नहीं बना पाया। मतलब मैंने वीडियो बनाई थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो मेरे कैमरे से मिसिंग थी। वो मतलब रिकॉर्ड हो रही थी लेकिन बाद में मेरे को वीडियो मिली ही नहीं। पता नहीं आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये भी वीडियो मेरे को मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये क्या होगा मेरे को नहीं मालूम। अगर अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये वीडियो आप लोगों के सामने होगी। ठीक है, फटाफट मैं आप लोगों के सामने स्टोरी एक्सप्लेन करता हूँ। कहते हैं काफी समय पहले, क्योंकि एक किला टाइप है, कोई मतलब बहुत बड़ा राजा का किला नहीं है लेकिन एक छोटा सा ऐसा किले जैसा ही एक रूप ही एक इसको निर्माण किया गया है। कहते हैं कोई राजा था, नाम नहीं लूंगा मैं, और कहते हैं कि उसने एक नर्तकी के लिए, जिसका उसके ऊपर दिल आ गया था, जिस पे वो मोहित हो चुका था और वो उसको पाने के लिए इतना इच्छुक था कि उसको पाने के लिए उसने उसको इतना वैभव दिया, उसको इतनी धन दौलत दी उसके लिए कि किले का निर्माण करवाया, उसको यहाँ पर्सनली रोका और जो उसका मेन किला था इससे जस्ट 500 मीटर पीछे थे। ठीक है, आज वो किला पूरी तरह से ढह चुका है लेकिन ये अभी भी मौजूद है। कहते हैं कि उस राजा ने इस नर्तकी को पाने के लिए उसके साथ जो कुछ होता है ना, एक बोलते हैं साम दाम दंड भेद, सब कुछ अपना लिया, लेकिन उस नर्तकी का दिल था वो किसी और पे था और उस राजा को उसने मना कर दिया। राजा के जब आत्मसम्मान को ठेस पहुंची और उसको लगा कि अब तो मेरा ऐसा कुछ हो रहा है कि लोग प्रजा में लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो उसने अपने सम्मान को वापस पाने के लिए उस नर्तकी का और उसकी बाकी जो भी सहयोगी नर्तकियां थी उन सभी का यहाँ पे कत्लेआम करवा दिया। रातों रात यहाँ पर तकरीबन 100-200 पता नहीं कितनी लाशें गिरी, कुछ अंदाजा नहीं है। उसके कुछ महीने बाद कहते हैं ना कि क्योंकि किला यहाँ से नजदीक में ही था, जब सैनिक वगैरह यहाँ पे गश्त पे आते थे तो उनको रात में एक किसी के नृत्य करने की आवाज, पायलों की आवाज, कुछ गानों की आवाज ऐसे सुनाई देने लगी। तो जब ये बात राजा को पता चली तो उसने भी जब ये आके देखा तो उसके भी होश उड़ गए और कहते हैं कि उस राजा ने इस राज्य को छोड़ कहीं और अपना राज्य स्थापित कर लिया या फिर ये पूरा वीरान हो गया, क्या चीज थी वो चीज क्लियर नहीं है। तो भाई क्लियर क्या है वो पता नहीं, लेकिन कहते हैं उसके बाद जो आसपास की प्रजा भी थी ना वो पूरी वीरान हो चुकी थी, गांव पूरे खंडहर हो चुके थे। अब क्या वजह थी वो क्लियर नहीं है, लेकिन कहते हैं आज भी उन नर्तकियों के पायल आवाज आई है क्लियर, जैसे कोई अंदर चल रहा है। एक मोर पंख मिला मेरे को, यहाँ पे शायद मोर वगैरह भी हैं और मैं बोल सकता हूँ ये मेरे लिए, हालांकि मैं हॉन्टेड लोकेशन पे खड़ा हूँ लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि मेरे लिए शुभ है, क्योंकि ये कहते हैं कृष्ण भगवान धारण करते थे तो कृष्ण भगवान का नाम लेकर कि शायद वो मेरी मदद करें, हमारे साथ कुछ बुरा ना हो। ठीक है, हम चलते हैं और आगे बढ़कर इसको साइड में ही रख देते हैं, चलते आगे। जब मैं एंटर दे रहा था ना तो
ऐसा लगा कि पायलों की जैसे कोई भागते हुए कहीं गया है, एक पायलों का साउंड आया है, ठीक है। और देखिए रास्ता सा दिख रहा है मेरे को, और बाकी इसका एक बार उस तरफ कैमरा करना। ये मेरे को लग रहा है कि बीच में गोल जैसा कुछ बना हुआ है, तो उस साइड में बाद में जाऊंगा, पहले मैं चाहता हूँ एक बार इसके अंदर चलूँ, देखूँ ये क्या चीज़ है। ऊपर तो एक छत जैसा कुछ है, उस साइड में एक पूरा ठंडा हो चुका है। और भाई अंदर एक बहुत बड़ा कमरा बना हुआ है, और मेरे को लग रहा है ना जैसे कि ये टूट चुका है तो ढह के ना ये गिर चुका है, और ये काफी बड़ा दरवाजा हुआ करता होगा, लेकिन अभी इसका कहेंगे आकार छोटा हो चुका है ये सब मिट्टी वगैरह पत्थर गिरने की वजह से। तो कोशिश करता हूँ यार एक बार अंदर चलने की। दोस्तों चमगादड़ है यहाँ पर, ठीक है। आराम से नीचे नीचे हेड नीचे चमगादड़ है यहाँ पर, और मेरे को लगता है ना कि ये शायद एक मिनट आवाज आ रही है, किसी की आवाज आ रही है। ये देखो किसी की आवाज है, और आज की डेट में कुछ अपवाद इंसानी रूप में जो मौजूद है, जो शायद इस लालच में आते हैं कि शायद उनको कोई खजाना मिल जाएगा ऐसी जगहों पर ऐसा कुछ, तो उसका रिजल्ट मैं दिखाता हूँ आप लोगों इधर। अगर बहुत बड़ा गड्ढा जैसा कुछ किया हुआ है शायद खजाने की तलाश में या ऐसा कुछ, ठीक है। तो एक बार इस कमरे के अंदर कोशिश करते हैं नीचे, एक बार इस कमरे के अंदर कोशिश करते हैं बात करने की। एक पायल की आवाज आ रही है, क्या कोई भाई ये क्या था? अरे मैंने जस्ट कोशिश भी नहीं करी बात करने की, और एक आवाज आई है, कुछ गिरा था। क्या कोई भी ऐसा यहाँ मौजूद है जिसको मालूम है कि वो इस दुनिया में नहीं है, और उसको मेरी मौजूदगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, इस कमरे से निकलते बाहर, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक तो चमगादड़ घूम रहे हैं, और दूसरी बात एक ये मेरे को लग रहा है जैसे कोई ईंट पत्थर वगैरह इधर उधर उड़ रहे हैं या गिर रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, और अगर एक ही हमारे सर पे लग गया या कुछ हो गया या ये चमगादड़ आके हम पे चिपक गया खून पी लिया, तो कौन सी बीमारी होगी मेरे को नहीं मालूम। यहां से निकलते बाहर की तरफ, आराम से भाई, आराम से। ओ भाई भाई भाई, आगे चलो, कुछ आराम से। ये पहाड़ बहुत बड़े, क्या था वो, क्या था वो, क्या चीज थी यार, कैमरा में रिकॉर्ड हुई। हाँ भाई बहुत ही भयानक, और कोई वाइट शेडो थी जो मेरे को दिखी, और शायद कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई। अगर ऐसा हुआ है तो मैं उसको स्लोमो करके आप लोगों को दिखा चुका हूँ, ठीक है। एक मिनट भाई, एक फाइल की आवाज आ रही है आगे से,
इस तरफ से ध्यान से उतरना आराम से यहाँ से ध्यान से ध्यान से कमरे जैसे बने हुए हैं जो बंद है और मेरे को लग रहा है कि शायद ये सैनिकों के लिए थे या पता नहीं किसके लिए थे, ये मेरे को आइडिया नहीं है। क्या हो सकता है कोई अपने पीछे था? फिर से देखे आप जो कोई भी यहाँ मौजूद है देखो, मैंने बोला ना पीछे से आवाज आ रही है। ये पत्थर ऊपर से गिरा भी, ये क्या है? ये व्हाइट व्हाइट सा धागा क्या है? आगे चलो, आगे सामने सामने कोई है, सामने आराम से आराम से सामने। इस रूम में कोई था? इस रूम में कोई था भाई? हाँ आराम से। पीछे करना, ये सीढ़ियां जा रही है ऊपर की तरफ पे, चल के देखो। और ये मेरे को लग रहा है छत की तरफ में जा रही है और ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि पता है दिक्कत क्या है कि हम लोग इस जगह पे ना चोरी छुपे आए हैं और ये जो ये के बना हुआ है किला सा, ये बहुत पहाड़ी के ऊपर हाइट पे, नीचे शहर बस चुका है। अगर किसी को भी लाइट दिखती है तो ऊपर अगर लोग आ गए तो हमारे साथ ऑब्जेक्शन हो सकता है। बहुत चोरी छुपे, बहुत रिस्क लेके हम लोग इस जगह पर आए हैं। सामने से आवाज आ रही है, क्लियर आवाज है। क्या है? ये तो रूम है कोई। आगे चलो, आगे चलो, इस तरफ। देखें यहाँ पर जो कोई भी मौजूद है, आपकी आवाज आपके चलने से इस जगह से ऐसे गिरते हुए आई है, लेकिन हवा इतनी तेज नहीं कि बोतल उड़ जाए। इस रूम में देखो एक बार, शायद हाँ इसमें से कोई आया हो। ध्यान से कौन है यहाँ? है क्या कोई? बहुत छोटा सा रूम है और छत बहुत काली है इसकी, पता नहीं किस वजह से, मेरे को नहीं मालूम। आगे चलो, आगे चलो। यार भाई जो आवाजें पायलों की यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है और जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है यहाँ पर, उसको देखने की भाई हालत खराब है यहाँ पर। और यहाँ पर एक और ऐसा कुछ कमरा नुमा यहाँ पे बना हुआ है। ध्यान से अमित भाई, ध्यान से, सेफ्टी से। और आवाज आ रही है, ओ, 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 भाई आगे से आवाज आई है। शायद कोई यहाँ पे अपने अलावा भी है, कोई तो है जो अपने को फॉलो कर रहा है। धीरे धीरे ना यहाँ से बाहर निकलते हैं। अमित भाई अपने को केवल जगह विजिट करनी थी, निकलते हैं यहाँ से। धीरे धीरे यहाँ से बाहर की तरफ निकलते हैं, क्योंकि भाई मेन यहाँ पे रिस्क जो है उस पैरानॉर्मल एनर्जी का नहीं है, सबसे बड़ा रिस्क है गाँव वालों का। जवाब देना महंगा पड़ जाएगा, जवाब देना महंगा पड़ जाएगा कि भाई आप कर क्या रहे हो यहाँ पे। ये अपने को गलत समझ लेंगे, कोई खजाने के लालची समझ लेंगे कि खजाने के, बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, खजाने के लालच। भाई सामने से कोई आवाज आ रही है, सुनो पायल की। ओ भाई निकलो, निकलो यहाँ से। जो गिर चुका है पूरी तरह से। अमित भाई निकलो, कोई चीज़ अपने को यहाँ से बाहर भेजने का इशारा दे रही है। जो भी चीज़ अपने को रुकने नहीं देना चाहती यहाँ पे, बिल्कुल भी। पीछे कोई तो था। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। दोस्तों किसी भी लोकेशन पे हमारा जाने का मेन मोटिव ये होता है कि हम जाके देखें कि वो जगह रियल में हॉन्टेड है या नहीं। ये चीजें सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए हम ऐसी ऐसी लोकेशनों पे विजिट करते हैं जहां पर कोई दिन में भी आ जाता है।
दोस्तों इस वीडियो को रखता हूँ मैं यहीं तक के लिए। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल में पहली बार तो जाकर सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी जगह पर कोई 100 सी वीडियो लेकर। तब तक के लिए बाय। मैं इससे ज्यादा रिस्क मुंबई निकलो अमित भाई, यहाँ पे ना अभी उतरने में टाइम लगेगा।